कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। 5 बजे तक का आंकड़ा क्या रहा, कितने फीसद हुआ, सबसे पहले भोपाल की हम बात कर लेते हैं। देखिए भोपाल की बात करें, कितना मतदान हुआ 5 बजे तक, 59.19% 59.19% भोपाल में मतदान हुआ है। इंदौर में 64.95% मतदान हुआ है। हमने जिक्र किया था कि स्वच्छता में अव्वल है, मतदान में भी अव्वल आएंगे जबलपुर। और ये आंकड़े तो हम बताते रहेंगे, आंकड़े हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा जो है 3 बजे नहीं है, 5 बजे तक का डेटा है। देखिए ग्वालियर से ये 61.64% ग्वालियर से खबर आई, यहाँ पर 1 घंटा बचा हुआ है अभी मध्य प्रदेश में। सीहोर से बहुत अच्छा परसेंटेज 71.57% या 80-85 हो सकता है सीहोर से, तो ऐसा लग रहा है। छिंदवाड़ा में बहुत अच्छी बंपर सीट है, परंपरागत सीट है कमलनाथ की, और इतना अच्छा वोट होना ये भी कहीं ना कहीं संकेत लग देता है। नरसिंहपुर से अच्छी वोटिंग की खबर है, 77.44% यहाँ पर मतदान। ये बड़ा सवाल ये भी है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है ये किसके खाते में जाएगा, कौन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा था, बीजेपी कर रही थी। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, 58.41% भिंड में मतदान हुआ है 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। सागर से खबर आई, 70.44% सागर भी बड़ी सीट है, बड़े बड़े नेता यहां से आते हैं, बीजेपी के मंत्री यहां से आते हैं के सरकार में, प्रदेश सरकार के मंत्री, चाहे वो गोपाल भार्गव की बात कर ली जाए या फिर गोविंद सिंह राजपूत की बात कर ली जाए, भूपेंद्र सिंह की बात कर ली जाए, ये यहीं से आते हैं, तो यहां पर इनकी साख दांव पर लगी हुई है और इस बार बड़े प्रयोग किए हैं। सागर की बात करें, दिग्गज मैदान में है, बात तो होगी ही, बिल्कुल होगी, दिग्गज मैदान में सागर की अगर बात, हर एक की बात होगी और हर सीट पर नजर सबकी होगी। उज्जैन की बात कर लेते हैं, बाबा की नगरी की बात कर लेते हैं, 73.37% यहाँ पर मतदान हुआ है, बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर बना है और यहाँ पर भी मतदान काफी अच्छा हुआ, अभी तो और आगे आंकड़ा बढ़ेगा। मोहन यादव यहाँ से मंत्री हैं भाई, और वोटिंग परसेंटेज बुधनी वीआईपी सीट, मुख्यमंत्री की ये सीट वीआईपी सीट, यहाँ पर 71.23% यहाँ पर प्रतिशत मतदान हुआ है, बड़ी सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है। छिंदवाड़ा अभी हमने जिक्र किया, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये सीट है, 78.8% यहाँ पर मतदान हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं खलबली जो है नेताओं में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इंदौर एक सबसे बड़ी सीट, कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला का मुकाबला यहाँ से, इंदौर से इतनी खबरें नहीं आती थी, इस बार जितनी आई है, भिड़ने वाली नेता आपस में भिड़ गए, इतनी खबरें नहीं आती थी। दिल्ली से खबर बता देते हैं, 64.62% मतदान, नरसिंहपुर से 77.74% वोटिंग यहाँ पर अभी तक दर्ज की गई है, 1 घंटा अभी बाकी है, रिकॉर्ड बनाने वाला है क्या मध्य प्रदेश, ये देखना होगा। नतीजे जो है 3 दिसंबर को, लेकिन इसके पहले 6 बजे के बाद आंकड़े साफ होंगे कि क्या मध्य प्रदेश ने